हेलो गाइस, दिस इज विलियम बोले और एक बार मैं आप सबको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा सीरीज होगा, सीरीज नंबर 16, जिसमें आज हम सीखेंगे सी माइनर। सी माइनर बजाने के लिए हमें 3 12 नोट्स की सहायता लेनी होगी। कम से कम 3 नोट्स हमें चाहिए और वो है सी, डी शार्प और जी। ये 3 नोट्स जब हमें गिटार पर कहीं पर मिल जाएंगे तो वो हमारे लिए सी माइनर का रोल प्ले करेगा। अब हम देखेंगे सी माइनर का जो पोजीशन है, कहां से हम उसको बजा सकते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से हम अपना फिंगर को वहां सेटअप कर सकते हैं। तो पहला सी माइनर मैं आपको बताऊंगा, आपका फर्स्ट फ्रेट में ही आप बजा सकते हैं। और वो कैसे बजाएंगे? फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग को आपको छोड़ देना है और हम यूज करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग को हम इसलिए टच करेंगे, फर्स्ट फ्रेट में जब उसको प्रेस करेंगे वो सी बन जाएगा। तो एक नोट हमें मिल गया, अभी चाहिए डी शार्प और जी। तो थर्ड जो स्ट्रिंग है वो ओपन में जी है, तो उस स्ट्रिंग को हम ओपन रखेंगे, उसका जो पोजीशन होगा ओपन ही रहेगा। तो 2 नोट हमें मिल गया, अब हमें और एक चाहिए हुआ डी शार्प। तो डी शार्प हम जो फोर्थ स्ट्रिंग है ओपन में, वो हो गया आपका डी, इसलिए फर्स्ट फ्रेट में हम उसको जब प्रेस करेंगे वो डी शार्प बन जाएगा। आपका जो फर्स्ट फिंगर है आप उसको फोर्थ स्ट्रिंग में ले जाइए फर्स्ट फ्रेट पर, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग को सेकेंड फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पर। तो अभी हमारा जो मिडल का जो ये फिंगर, ये जो स्ट्रिंग है थर्ड स्ट्रिंग, ये ओपन रहना है। अभी हमको क्या मिल गया, यहां पर हमें डी शार्प मिल गया और उसके बाद हमको जी मिल गया और सी मिल गया। लेकिन इस प्रकार का कोड बजाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जब हम हिट करने जाएंगे जैसा भी हो कहीं ना कहीं हम अदर स्ट्रिंग को मार देंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो स्केल है, ये जो सी माइनर है वो बिगड़ जाएगा। उसके लिए अभी हमको क्या करना है, तो हमको एक्चुअली ऊपर का दोनों स्ट्रिंग को नहीं हिट करना है फिलहाल यहां पर, और नीचे का भी फर्स्ट स्ट्रिंग को हिट नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा तकलीफ वाली बातें हैं, क्योंकि हम जो लर्नर्स हैं हमारे लिए थोड़ा सा ये बहुत ही मतलब पेचीदा वाली कोड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से करेंगे। आप चाहें हल्का सा टच करके फर्स्ट स्ट्रिंग को आप म्यूट कर दीजिए, ये एक तरीका है, मैं बता रहा हूं। हल्का सा कोई भी इस फिंगर से, जो फिंगर 2 आपका बचा हुआ है अभी इधर थर्ड और फोर्थ, आप हल्का सा टच कर देंगे तो म्यूट हो सकता है, वो एक तरीका है। उसके बाद यहां से आप इस तरह से बजा सकते हैं। देखिए मैं म्यूट करने से आवाज नहीं आ रहा फर्स्ट स्ट्रिंग का, आएगा थोड़ा सा, लेकिन जब सेकेंड थर्ड और फोर्थ को आप हिट करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग का जो साउंड है वो नीचे दब जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, वो एक तरीका है। लेकिन अभी वो भी यदि आपसे नहीं होगा तो अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थर्ड फ्रेट पर आना है, थर्ड फ्रेट पर आना है इस तरह से। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये जो फिंगर है फोर्थ फिंगर से, या किसी का फिंगर यदि बड़ा है तो आप थर्ड फिंगर से भी थर्ड फ्रेट पर फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप यहां से फोर्थ नंबर स्ट्रिंग से हिट करेंगे, तो ये हो गया हमारा सी माइनर। लेकिन मुझे तो ये भी थोड़ा दिक्कत लगता पकड़ने के लिए, इसलिए मैं ऐसा करके पकड़ना थोड़ा ज्यादा मुझे सुविधा हो रहा है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है ऐसा पकड़ने का। लेकिन यदि आप डेवलप करना चाहते हैं अभी से ही, तो आप क्या करेंगे, फोर्थ फिंगर को आप
फोर्थ नंबर स्ट्रिंग पर रखिएगा और सेकंड फिंगर को सेकंड नंबर स्ट्रिंग पर रखिएगा ऐसा, और फर्स्ट फिंगर को थर्ड फ्रेट पर फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस करिएगा। ये आपका सी माइनर हो जाएगा। ये मुझे थोड़ा ज्यादा, मेरे लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सहूलियत लगा, क्योंकि कई बार जब हम लोग डेवलप करते हैं आगे चढ़ करके थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं तो और भी इसको तो बजाने का तरीका बदल देते हैं। जैसे कि अभी हम यदि यहां पर मैं ई बजाऊं आपके लिए तो इस प्रकार से मैं बजा सकता हूं यहां पर, ए बी इस तरह से। तो ऐसा जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन होने से करना है, नहीं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा टेक्निक नहीं है सीखने का। लेकिन कभी कभार फिंगर दर्द करने से आप फ्री होने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका है बोल करके मैं आपको सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ओके, तो यहां पर हमने अभी सीख लिया सी माइनर। हम फर्स्ट फ्रेट में सीखने के बाद हम चले आएंगे फिफ्थ फ्रेट में। फिफ्थ फ्रेट में हम यू इस तरह से पकड़ेंगे, आपका थर्ड स्ट्रिंग को आप थर्ड नंबर फिंगर से प्रेस करेंगे फिफ्थ नंबर फ्रेट पर, और उसके बाद सेकंड आपका जो स्ट्रिंग है फोर्थ नंबर फ्रेट पर सेकंड फिंगर से प्रेस करेंगे, और फर्स्ट जो स्ट्रिंग है फर्स्ट फिंगर से थर्ड नंबर फ्रेट पर प्रेस करेंगे, और ये तीनों को हम बजाएंगे। ये बन जाएगा हमारा सी माइनर। तीसरा है आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, उसमें कैसा किए हैं, सेम चीज रहा फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड में क्या कर दिया, फोर्थ फिंगर को लाया और फोर्थ स्ट्रिंग को हमने थर्ड फिंगर को लाया और इस तरह से बजा दिया। तो यहां पर क्या हो गया, हमको जी नोट दो मिला, डी शार्प एक मिला और सी एक मिला। ये एक तरीका है पकड़ने का। दूसरा तरीका है आप इस तरह से पकड़ेंगे, आपका जो फर्स्ट फिंगर है थर्ड फ्रेट पर सारे जो स्ट्रिंग है इसको आप म्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हिट करने का जो तरीका है फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग से आप नीचे मारेंगे। सिक्स से भी मारने से कोई हर्जा नहीं है, जैसा मैं आपको बार बार बताते आया हूं, लेकिन आप कोशिश करिए यहां से बजा लीजिए। तो ये है आपका सी माइनर का साउंड। उसके बाद हम सी माइनर यहां बजा सकते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 और 10 के बीच में ऐसा इस तरह से हम पकड़ेंगे। उसके बाद 10 के बाद 11 12 13 में हम आ जाएंगे इस तरह से पकड़ेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, 13 फ्रेट पर सेकेंड स्ट्रिंग को मैंने प्रेस किया है ऐसा, और 12 फ्रेट में मैंने थर्ड स्ट्रिंग को सेकेंड फिंगर से प्रेस किया है, और उसके बाद हमारा 11 जो फ्रेट है वहां पर फर्स्ट फिंगर को रख करके फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस किया है। तो ये हमारा सी माइनर बन गया, सेम साउंड। तो इस प्रकार से आप सी माइनर को बजा सकते हैं, और
और अपना जो गिटार का जो क्लास है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको सी माइनर समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल में नए हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।